तक आप इस रियाद शहर का नज़ारा ले सकते हो। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस रियाद द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। मैं रियाद के ऐसे एरिया में रुका हुआ हूँ मोस्टली जहाँ पर इमिग्रेंट्स रहते हैं, फिर चाहे वो अपने इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो और यमनी एंड फिलिपिनो। आपको जो सऊदी अरेबिया के अंदर इमिग्रेंट मिलेंगे वो इन्हीं 4-5 कंट्रीज से मिलेंगे। इन सभी लोगों की यहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद है। सबसे ऊपर तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अरब से आते हैं। यहाँ पे यूएई वाला सीन नहीं है कि यूएई के अंदर तो यूँ मान लीजिए जो लोकल्स हैं उनकी पॉपुलेशन शायद 10-15% होगी, लेकिन सऊदी और या फिर जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं उनके अंदर वहाँ के लोकल ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इमिग्रेंट्स। इस वीडियो में दो टाइप के मिक्सचर होंगे। सबसे पहले अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ का जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है शॉपिंग मॉल्स टाइप में। यहाँ के सबसे फेमस बिल्डिंग है किंगडम टावर, जो सऊदी अरेबिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है, और वहाँ पे एक ऑब्जर्विंग डेक है जहाँ से आप पूरे रियाद का व्यू ले सकते हैं। और शाम को मैं एक्सप्लोर करूँगा यहाँ के मार्केट्स या फिर कोई पुराने पैलेस। अब मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। पहले जैसे मेरा स्टीरियोटाइप था कि यहाँ पे आप खुले में वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक मुझे किसी ने रोका नहीं है। किंगडम टावर बस नंबर 9। किंगडम टावर व्हेन आर द रो नज़िल अभी माफी रो माफी नज़िल ज़्यादा है मोहम्मद माफी रो आई डोंट नो द शूट शूट आदा माफी रे मैं यस दैट इज शूट व्हेन नज़िल दैट इज शूट थैंक यू भाई। मेरे को 3-4 बस खड़ी दिखी, मैं यहाँ पे आके बंदों से पूछा और वहाँ पे साउथ को सऊदी अरेबिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक बंदा बैठा, उससे बोला कि यार मुझे किंगडम टावर जाना है। तो उसने बोला कि 9 नंबर बस में चला जा, और अभी 9 नंबर बस में बैठ गया हूँ। ये बस मुझे किंगडम टावर पे उतार देगी, और इस बस में बैठने के लिए ये खरीदा है मैंने। धन्यवाद दादा। सऊदी के सबसे ऊंचे टावर या फिर सबसे ऊंची बिल्डिंग, जो आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हो इसका नाम है सऊदी किंगडम टावर। ये बिल्डिंग है, बीच में आर्क सा बनाया हुआ है और उस आर्क के ऊपर एक ब्रिज है जो दो इस बिल्डिंग के कॉर्नर को जॉइंट करता है। किंगडम टावर की हाइट है 302 मीटर और टोटल है 99 स्टोरीज। सऊदी के अंदर एक टावर का और कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी बिल्डिंग बनाने वाले थे, बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग, उसका नाम है जेद्दा टावर। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस टावर के कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है। टावर के शायद 30-40 फ्लोर बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद आगे कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुआ। किंगडम टावर के ऊपर जो स्काई ब्रिज पड़ता है उसके लिए टिकट सेंटर भी ढूंढना पड़ेगा मुझे। जब भी आप किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जाओगे ना, आपको परफ्यूम बेचने वाले दबा के मिल जाएंगे। ये सीन मैंने ईरान में भी देखा था, और भाई दुबई में तो दिमाग ख़राब हो जाता है। आप जाइए मॉल ऑफ एमिरेट्स या दुबई मॉल के अंदर, और आजकल तो अपने इंडिया के अंदर भी हो गया है यार। अक्टूबर में जब मैं इंडिया आया था ना, तो मैं गया था उसके अंदर सिलेक्ट सिटी वॉक में, तो भाई कम से कम नीचे वाले उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे परफ्यूम बेचने वाले होते, पास आके भाई साहब ले लो, मैं भाई नहीं चाहिए परफ्यूम, बोलते एक बार छिड़क के तो देख लो, मैं भाई चाहिए ही नहीं, सर में दर्द होगा मेरे, लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ते यार। एक बात बताऊँ, इतने खुले धड़ाके से दुबई मॉल के अंदर भी वीडियो नहीं बनाने देते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो विक्टोरिया सीक्रेट का स्टोर, और ये सब ओपन में हो रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। एक्सक्यूज मी, वेयर आई कैन बाय द टिकट फॉर द द ब्रिज? शुक्रिया। On the next floor. Yeah, if you go up, okay, next floor. शुक्राना हबीबी। आप लोगों को जॉर्डन वाली ट्रिप याद है ना? साली पूरी ट्रिप के अंदर शुक्रान हबीबी करके मैंने पूरा जॉर्डन घूम लिया था, और अब एस्केलेटर पकड़ के मेरे को ऊपर वाले उसमें जाना है। हेलो ब्रदर, स्काई ब्रिज 69 हरियाणा। Haryana. You know Delhi? Near to Delhi? Yes. Yeah, near to Delhi. So I can call you Namaste? Yeah, yeah, Namaste, Namaste. Kya haal hai? Ekdam badhiya paaji, aap dasso. Shukran habibi. 99 floor.
And then I can see, like, there's a restaurant also? 77th floor. Restaurant and coffee. And on the top, no? No. Shukran, Abibi. तो अभी क्या करना होगा, पहले मुझे यहाँ से 77 फ्लोर के लिए एलिवेटर लेना होगा और उसके बाद दूसरा एलिवेटर 77 फ्लोर से जो 99 फ्लोर पे मुझे लेके चला जाएगा। तो मैं भाई को बोलता है, यार चलो आपने 69 रियाल ले लिए, 69 रियाल बोले तो 1400 रुपए हैं। मज़े की बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ अभी हम दो बंदे हैं और लिटरली मैं सच में बोलूँगा कि यार यहाँ आना सक्सेसफुल हो गया। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जो बीच में जितनी भी जगह खाली है ये पूरा का पूरा जो स्काई स्क्रैपर्स उनसे भर जाएगा, दोनों तरफ मेन रोड हो गए। ये सच में अच्छा है यार कि सिटी की जो सारे के सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं वो एक ही एरिया में कंसनट्रेटेड हो जाएंगी। बाकी आप यहाँ के सीन के साथ समझ सकते हो कि यहाँ पे टूरिस्टों का आना जाना बिल्कुल नहीं है। ये रियाद की इस टाइम की सबसे फेमस जगह मान लीजिए आप, जहाँ से आपको रियाद का सबसे बेस्ट व्यू आता है, काइंड ऑफ बुर्ज खलीफा ऑफ दुबई। 5 से 10 मिनट के लिए तो ऐसा हो गया था कि मैं एकदम अकेला था। यहाँ से जो सिटी का व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, दूर दूर तक आप इस रियाद शहर का नज़ारा ले सकते हो। मेनली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो इन दो रोडों के बीच में कंसंट्रेटेड है। राइट साइड में है किंग फहद रोड, इस रोड का मुझे नाम याद नहीं है लेकिन इस रोड से मेरी बस आई थी, जिस बस में मैं आया था। शायद 77 फ्लोर तक तो पूरी बिल्डिंग एक है लेकिन 77 फ्लोर के बाद दो आर्क दे दिए, एक आर्क उस साइड रहेगी और एक आर्क इस साइड रहेगी और इन दोनों लाइक पॉइंट को जोड़ने के लिए ये एक ब्रिज बना दिया है और इस ब्रिज के अंदर यूज़ हुआ है 300 टन लोहा, 300 टन स्टील बोल लीजिए आप। दैट वन इज किंग फहद रोड, यस नो किंग फहद, यही वो किंग फहद, यही वो आदमी फहद फहद, दिस इंग्लिश नो नो इंग्लिश, उलैया उलैया उलैया, किंग फहद उलैया उलैया, किंग फहद उलैया, अरबी सऊदी सऊदी, मैं भाई से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इन दोनों, एक रोड का तो मुझे नाम पता है, दूसरे वाले रोड का नाम क्या है, तो भाई को अंग्रेजी अंग्रेजी आती नहीं है तो थोड़ा सा भाई स्ट्रगल कर रहा है बताने में। ओके शुक्रिया नबी, चलो अब वापस चलते हैं नीचे। आ रही है लिफ्ट, आ रही है, आ रही है। डेक टू डेक वन 77 पे चलिए भाई जी। आपको याद होगा ना जब बचपन में अपने बाल कटवाने जाते थे तो उस नाई की दुकान के ऊपर दोनों तरफ शीशे लगे होते, तो मैं जैसे देखता ही रहता था, अरे 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 मैं काउंट करता था भाई कहाँ तक देख पा रहा हूँ मैं, अभी इन्फिनिटी है भाई, इधर भी दिखेगा और इधर भी दिखेगा, देखते रहो आप। इधर भी है, इधर भी है, काउंट नहीं कर सकते। हाँ अब शायद थोड़ा थोड़ा ट्रिक कर गया मैं, एक दीपांशु, दो दीपांशु, तीन दीपांशु, चार, अरे कुंगर दिखत कोली तू, हाँ दिख गया, इपकार दिखा ढंग था। यहाँ से बस पकड़ के अलबत्था की तरफ जाना है, अलबत्था अलबत्था या बत्था, बस किधर मिलेगी, किंग लॉन्ग चाइनीज कंपनी की बस है भाई ये। यहाँ पे है ना दिल्ली की तरह दबा के बार्गेनिंग चलती है टैक्सी वालों के साथ भी, 50-60% टैक्सी वाले मीटर से चलने के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। पहले तो टैक्सी के अंदर मीटर होते ही नहीं थे लेकिन जब से जो सऊदी के नए क्राउन प्रिंस आए हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, टैक्सी को भी सेंट्रलाइज टाइप में करना है कि टैक्सी के अंदर वो हो मीटर वीटर हो ताकि लोग ज़्यादा वो लूट वूट ना सकें। लेकिन टैक्सी में मीटर आने के बाद भी यहाँ पे जो टैक्सी वाले भाई साहब होंगे कई बार बोलेंगे अरे नहीं यार हमारा मीटर ख़राब है और फिर उसके साथ आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। वो तो आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, एक अरबी भाई मेरे को टैक्सी में लेके आ रहा था, मोटू सा मस्त था यार वो बंदा। ये थी सप्तको की बस जिसने मुझे मसमक पैलेस के पास उतार दिया है। ये सबसे बेस्ट टाइम है मार्केट में जाने का, ना ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम पर मार्केट के अंदर हलचल भी ठीक ठाक हो जाएगी। सोने मार्केट के अंदर जाने का मज़ा नहीं है यार, आप अकेले ही घूम रहे होते हो, जब तक
भसड़ नहीं होगी ना मार्केट के अंदर, तब तक मजे नहीं आएंगे। मॉडर्न आर्किटेक्ट वाले जगहों पर यार एकदम लोग क्लासी बन के आते हैं, सब एक यार वेल मैनेज तरीके होते हैं, लाइक दे हैव सम डिसेंसी एंड आई डोंट लाइक डिसेंसी। मुझे चाहिए भसड़ बहुत ज़्यादा, भसड़ आने दो और कामयाबी आगे बढ़ेगी। तो अब जाता हूँ मैं, देखता हूँ वो जगह किधर पड़ी किधर नहीं। अब लग रहा है मेरे को प्रेशर एक बार भाई, प्रेशर आ रहा है, प्रेशर सॉरी वॉशरूम टॉयलेट या नो टू नंबर टॉयलेट توالت حمام عايز الحمام حمام ايوه حمام عايز الحمام بہت پریشر لگا ہے یار والله والله پریشر یس شکرا ہے بیبی بھائی لائف میں سٹرگل ایک دم ریئل ہے اور ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कभी आप लोगों ने इंडियन टॉयलेट के अंदर जेट यूज़ किया है? और जेट भी ऐसा जिसके अंदर सिर्फ एक पतली सी धार आ रही है पानी की। साला उस पोजीशन में बैठ के जेट वाह आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये है मस्मक पैलेस या मस्मक फोर्ट्रेस। पीछे जो फ्लैग देख रहे हो ये सऊदी अरेबिया, ये वाला ये है सऊदी अरेबिया का फ्लैग। तो इस पैलेस की आज के सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सऊदी के जो सबसे पहले किंग हुए थे इब्न सऊद या अब्दुल अजीज़ सऊद, उनको फाउंडिंग फादर ऑफ सऊदी अरेबिया बोला जाता है। उन्होंने सऊदी अरेबिया की यूनिफिकेशन की थी। बाद में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी ने सऊदी अरेबिया के अंदर ऑयल डिस्कवर किया और उसके बाद तो भाई सऊदी अरेबिया की पूरी कहानी पलट गई। फोर्ट्रेस है गिली मिट्टी और ईंटों की बनी हुई है, इसमें पत्थर का बहुत कम यूज़ है। नीचे नीचे आपको पत्थर दिखेगा। पैलेस के आसपास आपको काफ़ी मार्केट मिल जाएंगे, अभी मैं उन्हीं मार्केट के अंदर घूमने वाला हूँ थोड़ा। सऊदी अपनी इकोनॉमी के अंदर टूरिज्म को ढालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। देखो कोई भी इकोनॉमी होगी वो एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मान लो कि आगे फ्यूचर में जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी वो लोगों की और कम हो जाए तो फिर सऊदी के पास और कोई चीज़ बचेगी नहीं। इसलिए सऊदी अपनी हर पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को वो डाइवर्सिफाई कर पाए। ये सारी की सारी है ना परफ्यूम की दुकानें हैं। परफ्यूम उधर भी परफ्यूम। अरेबी के अंदर परफ्यूम को उद बोला जाता है शायद, क्योंकि हर दुकान के आगे उद लिखा हुआ है। मैं गैस कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ और सही भी हो सकता हूँ। अगर सही हूँ तो प्लीज़ आप नीचे करेक्ट कर देना, सही हूँ तो आप मेरी तारीफ़ कर दो कि भाई की अरेबिक बड़ी मस्त हो गई है। यल्ला हबीबी। हबीबी है दिस ओनली परफ्यूम मार्केट आउटसाइड? ओके थैंक यू शुक्रिया। अभी यहाँ पे मैं मार्केट में घूम रहा था और पीछे से आवाज़ आती है दीपांशु भाई, इनसे मिलिए, ये है इस्लाम भाई। इस्लाम भाई अपने चैनल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे शॉप है उद की। उद को लेके मेरे दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। पहले मुझे लगता था कि उद बोलते हैं परफ्यूम को अरेबिक के अंदर, इत्र हो गया फारसी का शब्द। इस्लाम भाई ने मुझे बताया कि उद एक स्पेसिफिक, कैसे समझाएंगे आप उद क्या होता है? उद जैसे कि लकड़ी होता है, उसमें जस्ट अ टाइप ऑफ इंसेंस, काइंड ऑफ अगरबत्ती फॉर अरब्स। हाँ फॉर अरब्स, पर वो अपने यहाँ पे सस्ता रहता है, यहाँ पे बहुत महंगा है वो चीज। यहाँ पे क्वालिटी बहुत है। ये बैन है इंडिया में? इंडिया में बैन है। क्यों? सब में यू नीड स्पेसिफिक लाइसेंस इस चीज को, पेड़ को काटने के लिए और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए। इसका कॉस्ट कितना होता है नॉर्मल, लाइक नॉट द हाईली प्रीमियम? इंडियन रुपीस में? हाँ इंडियन रुपीस में एकदम चीपेस्ट समझ लो आप 20-30,000 किलो आएगा, द चीपेस्ट। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वो कहाँ से आती है? इंडिया का जो है वो उसमें भी एक्सपेंसिव आता, जो इंडिया का वाला है एकदम एक्सपेंसिव आप पकड़ेगा तो करीबन 20-25 लाख रुपया किलो होता है। 25 लाख रुपए किलो खरीदता कौन है फिर उनको? तो रॉयल फैमिली से। हाँ वो रॉयल फैमिली वाले ही खरीदते। और ऐसा क्या होता है दादा उसके अंदर स्मेल? तो आप ये मान सकते हो कि उद जैसे अपने इंडिया में अगरबत्ती होती है, अरेबिक लोग उसे उद बोलते हैं, लेकिन थोड़ा वो डिफरेंस भी होता है। अरेब में जो अगरबत्ती है वो चीज़ों को मिक्स करके बनती है। ये एक छोटे से उद का पार्ट मैंने इसके ऊपर डाला और अब इसमें से धुआं निकलेगा और इससे फिर पूरे कमरे के अंदर स्मेल वेल हो जाएगी।
तो मिडिल ईस्टर्न लोग बहुत पुराने टाइम से स्मेल के शौकीन है क्या? ये लॉन्ग लास्टिंग होती है भैया? आप दरवाजा खिड़की बंद रखोगे तो पूरा दिन खुशबू टिक जाता है। हाँ, थैंक यू इस्लाम भाई। यार इस्लाम भाई से मिलने के बाद बहुत सारी बातें पता चली कि सऊदी में आज से 10 साल पहले क्या होता था और अब क्या हुआ है। मतलब कि एक क्लैरिटी आई है। जैसे आप सऊदी का नाम सुनते हो आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव लोग होंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे ये स्टीरियोटाइप बन चुका है। लेकिन ये स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है जब से सऊदी के जो नए क्राउन प्रिंस आए हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं सऊदी की सोसाइटी के अंदर। वीमेन ड्राइव करने लगी, वीमेन काम करने लग गई हैं, जो सऊदी के लोकल लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स में इंक्लूड होने लग गए हैं। अभी भी सुखजेल मार्केट दिस ओके थैंक यू। यहाँ पे आपको थोड़ा वो ट्रेडिशनल लुक आ रहा है। अपने हरियाणा राजस्थान में बूढ़े लोग ऐसी गाड़ियाँ रखते हैं। उधर सामने एक अंकल जी बैठ बैठ के कुछ खाना वाना खा रहे हैं। और दिस स्वॉर्ड शमशीर शमशीर नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू वली थैंक यू फ्रॉम व्हाट वली फ्रॉम इंडिया इंडिया या नाइस टू मीट यू माय नाइस टू मीट गजब मार्केट है भाई। पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे? मैं और उधर थोड़ी इक्की दुखी पुरानी चीजें दिख रही हैं। ये मस्त मार्केट है यार, मजे आ रहे हैं इस मार्केट के अंदर। मैं ना यहाँ पे इस्लाम भाई की रिकमेंडेशन पे आया हूँ और यहाँ पे आने के बाद काफी मजे आ रहे हैं। एक तो अंकल जी देखे तलवार के साथ और फ्रेंडली थे भाई, नहीं तो लोग कहते साला फोटो वोटो मत लो मेरे साथ। और अंकल जी ने एकदम खुला मेरे को बोला आयो बेटा फोटो वोटो भी लो एकदम। फिर से वही जैकेट टाइप में आपको मैंने YouTube में देखा था। अच्छा YouTube में देखा। हाँ। अच्छा थैंक यू यार। कहाँ से आप? इंडिया आसाम से। बहुत बार देखा दो बार। थैंक यू यार। मेरा भी मन है कि यार मैं जब सऊदी से जाऊँ ना या फिर सऊदी जाने से पहले या फिर सऊदी ट्रिप के दौरान ही मैं एक ये जो लंबी लंबी ड्रेस नहीं पहनते सऊदी, एक तो वो ले लूँ और एक ये सर पे पहनने वाला। बेसिकली आपने अरब लोगों के जो सर पे देखा होगा वो काला काला से सर पे बांधते हैं, वो पुराने टाइम में पता है किसके यूज़ में आता था? अरब लोग क्या करते थे, जो अपने ऊँट को बांधने के लिए उस चीज़ को यूज़ करते थे। क्योंकि यार मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में आपको ऊँट तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे और ऊँट के पैरों के बांधने के लिए होता था ताकि ऊँट ज़्यादा दूर ना चला जाए, तो इसीलिए उसको एकदम ही हैंडी रखते थे एकदम सर के ऊपर बांध के। लेकिन अब वो काइंड ऑफ एक कल्चरल सिंबल बन गया है। और वापस से जो मसमक पैलेस है उसके सामने पहुँच गया हूँ। एकदम लाइटिंग वाइटिंग लगा के मस्त कर रखा है। आज दोपहर को 2 बजे निकला था और अब रात के टाइम हो चुके हैं 9। तब से घूम ही रहा हूँ। यूँ मान लीजिए जो पहले अपने स्टीरियोटाइप थे उनमें से सऊदी के अंदर 50% स्टीरियोटाइप यहाँ पर ख़त्म कर दिए गए हैं, जो धीरे धीरे सऊदी दुनिया के लिए ओपन हो रहा है, खास करके टूरिज़्म में। और यहाँ के जो वीमेन राइट्स थी उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं। सऊदी एक हाईली कंजर्वेटिव कंट्री है, इसको यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने 5 साल में बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया है। अगर हम सऊदी के पुराने स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करें, अभी भी बहुत सारी चीज़ें ठीक होनी है, लेकिन अगर कोई कंट्री ओपन हो रही है तो उसको शायद हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसमें यार देखो यार चीज़ें एकदम नहीं होती, और अगर आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है उसको चेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, लेकिन अगर कोई एफर्ट कर रहा है तो हमें उसको प्रेज करना चाहिए। तो आई थिंक जो यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। बाकी आज की पूरी कड़ी मेहनत के बाद मेरा अब मन कर रहा है मोमोज खाने का। हाँ जी, यहाँ पे मोमोज मिलते हैं। मुझे यहाँ पे 2 नेपाली रेस्टोरेंट मिले हैं, एक है सागरमाथा नाम से और दूसरे का नाम मैं भूल गया। तो अभी उनमें से एक रेस्टोरेंट में जाऊँगा, मोमोज खाऊँगा और आज के दिन को एकदम अच्छे से ख़त्म कर दूँगा। रेस्टोरेंट का नाम है सागरमाथा। दूसरी कंट्री के हिसाब से मोमोज का जो प्राइस वो भी अच्छा है यार, 13 रियाल लगभग, यूँ मान लीजिए 220 या 230 रुपये पर प्लेट। एक प्लेट के अंदर 12 पीस होते हैं। सऊदी के अंदर भी जो नेपाली लोगों की प्रेजेंस है वो अच्छी खासी है। सागरमाथा रेस्टोरेंट, पेट पूजा हो गई है, घूम लिया हूँ और अब वापस से जो मेरा होटल है उसकी तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ।